ओ जमील भाई, इस दफा कोयटा जाना हुआ था? नहीं यार, कहाँ। आप तो कह रहे थे कि इस दफा आपने जरूर जाना है, घर की याद आ रही है आपको। ओ यार, घर से भी ज्यादा अहम काम आ गया था ना। घर से ज्यादा अहम काम, वो क्या? फुटबॉल मैच। ओ जमील भाई, आप भी दुनिया में खाना पीना छोड़ सकते हैं, सोना छोड़ सकते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं छोड़ सकते, है ना? जाहिर नहीं छोड़ सकता, ये भी कोई पूछने वाली बात है यार। जमील भाई, आपसे एक काम है। क्या? वो आर्किटेक्चर और डिजाइन डिपार्टमेंट के दरमियान ना फुटबॉल का मैच है, तो आपको तो पता है कि डिजाइन डिपार्टमेंट में से एक भी स्टूडेंट फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो हम चाह रहे थे कि आप हमारी टीम की तरफ से खेलें। जरूर जरूर, जमील और फुटबॉल खेलने से इनकार, ये हो सकता है भला? वेरी गुड, इसका मतलब है कि आप हमारी टीम की तरफ से खेलेंगे। मैच कब है? वो संडे की शाम 4 बजे। जमील भाई इधर। सर, मैच की तैयारी नहीं करनी? यार वैसे तेरा स्वेटर है आला, कहाँ से लिया? कराची से लिया। यार के मुझे भी ला दे कराची से स्वेटर। ना मैं तेरे लिए वहां में स्वेटर भिजवाने के लिए बैठा हूँ ना। यार तू मुझ में गर्मी किस बात की खा रहा है, मैं तेरा दुश्मन हूँ? यार देख, अब मैं तेरे लिए जान भी तो देता हूँ ना पगले। चल छोड़ यार, तो ये बता आज वो फुटबॉल मैच खेल रहा तू? कौन सा? वो डिजाइन और आर्किटेक्चर के बीच में जो एक फजूल सा मैच है। ओ हाँ वही। हाँ खेल रहा हूँ। यार वैसे एक बात है, सारे अच्छे खिलाड़ी तो आर्किटेक्चर की टीम में, डिजाइन का क्या बनेगा? हारेगी उनकी टीम, देखना तुम। क्या 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 कहा? मैंने कहा डिजाइन की टीम हारेगी, देखना तुम। देखो इस दफा डिजाइन की टीम बहुत पकी है। क्या इस दफा बैरूनी इमदाद आई है क्या? ये तो पता उस दिन चलेगा जिस दिन फुटबॉल मैच होगा कि कौन कितने पानी में है। तो क्या धमकी किसको दे रहा है? ओए ज्यादा फिजिकल होने की जरूरत नहीं है, इस दफा ना मैंने जमील बलोच को कहा है वो हमारी तरफ से खेलेगा। तो वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है। तू चाहे जमील बलोच को बुला या वसीम अकरम को, जीतेगी हमारी टीम। क्या हो रहा है भाई, क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को? बेचारा, और ये जितना ये तुम्हें जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ये जमीन के अंदर भी है। और इस कीड़े का ख्याल है कि ये आज हमारी टीम को हराने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ तो सही तो कह रहे। देखा बच्चू, अब तो लड़की ने भी कह दिया। लो जी, अब आप भी इस कीड़े को सपोर्ट करने शुरू की हैं। हाँ तो सही कह रहे। और ये तुमने क्या कीड़ा कीड़ा लगा रखा है, कांगड़ी पहलवान। कांगड़ी पहलवान? जनाब अली आरिफ चौधरी साहब को आपने कांगड़ी पहलवान कह दिया? तुम चुप करो छचुंदर। छचुंदर, तुमने मेरे इस खूबसूरत से दोस्त को छचुंदर का? मैं यहां एक सेकंड में नहीं ठहर सकता। चलो छचुंदर, चल कांगड़ी। थैंक यू आयशा। कोई नहीं यार, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा एक काम करो कि मेरा तुम तारिक। क्या? वो मैंने एक पोस्टर बनवाना था, बना दोगे? मैं ना कहता था दुनिया मतलब की है। हाँ वाह जमील भाई, वाह जमील भाई, वाह। ये चक्कर वाह जमील भाई, ये चक्कर तारिक जो, ये चक्कर। ओए होए होए जमील भाई, कमाल की महारत है आपको, लगता है आपने आपको किसी ने ना फुटबॉल पैदा होते ही पकड़ा दी थी। बहुत आला जमील भाई, बहुत आला। कोयटा की टीम का कैप्टन रह चुका हूँ, जिंदगी में 98 मैचेस खेले और मजे की बात
سب کے سب جیتے ہیں جمیل بھائی واہ تو اب یہ میچ بھی ہم ضرور جیتیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں ذرا وہ ماتھے پہ رکھ کے دکھائیے لو جمیل بھائی آپ ادھر اسکلپچر میں کیا کر رہے ہیں آپ کو تو فٹ بال ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا یار میں بھی سوچ رہا ہوں نا کہ کالج میں فٹ بال کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے ابھی تھوڑی سی تعریف کیا کر دی سٹیا ہی گیا ہے ڈپارٹمنٹ ہی کھولنے پہ تل گیا ہے کیوں کیا کہتے ہو ہونا چاہیے ہونا چاہیے ابھی یار بالکل سٹیا گیا ہے کیا فٹ بال کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یار جمیل بھائی آپ بھی کیا مذاق کرتے ہیں بس دیکھ لو یار فٹ بال نے مجھ سے میری مذاق کس نہیں چاہیے جمیل بھائی آپ کو فٹ بال کے علاوہ کیا پسند ہے فٹ بال کے علاوہ مجھے اسکلپچر نہیں نہیں انسانوں میں بابا انسانوں میں او یار انسانوں میں مجھے ایک لڑکی پسند ہے لڑکی کون سامیہ سامیہ وہ آپ کی کلاس والی ہاں ہاں وہی تو جانتی ہو تم ابے وہ تیرے جیسے لنگور کو کہاں پسند کرے گی کیوں کیسی ہے اچھی ہے اچھی ہے لیکن اس میں آپ کو کیا اچھا لگا یار طارق جب وہ چلتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی فٹ بال میری طرف آ رہی ہے اور جب وہ مجھے بلاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی سرلی سی فٹ بال مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے جمیل جمیل کے بچے اتنی زور کی کک ماری ہے اچھا جمیل بھائی سامیہ آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے شاید اس سے بھی زیادہ اچھا ایک بات بتائیں اگر سامیہ آپ سے کہے کہ آپ فٹ بال چھوڑ دیں تو کیا آپ چھوڑ دیں گے شاید ہاں شاید نہیں 50-50 وہ تجھ سے بات کرے گی تب نا اچھا جمیل بھائی کچھ فٹ بال کے کمالات ہی دکھا دیں یار ابھی لو نہیں تو بالکل نہیں پتا نہیں میں آپ کو کیسی لگتی ہوں بہت اچھی لگتی ہیں ویسے آپ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جب آپ اکیلے کونے میں بیٹھ کے اسکلپچر بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی لگن اور دنیا سے بے پرواہی مجھے بہت اچھی لگتی ہے ویسے مجھے آپ کا کام بھی بہت پسند ہے وہ جو آپ کی سولو ایگزیبیشن تھی اس میں بھی آپ نے بہت اچھا کام کیا دیکھیں میں نے آپ کا کام کر دیا ہے اب آپ بھی میرا کام کریں کون سا کام سب لڑکیوں کو لے کر آنا ہے فٹ بال میچ میں سپورٹ کرنے کے لیے تمہارا دماغ ٹھیک ہے اب تو میرا کام ہو گیا اب میں کیوں تکلیف کروں دیکھیں آپ نے وعدہ کیا تھا اچھا بھائی تو اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہو لے آؤں گی لڑکیاں خوش ارے یہ جمیل کے ساتھ کون لڑکی بیٹھی ہے میرے خیال میں اس کے ایئر کی سامیہ ہے سامیہ نہیں سامیہ جمیل کو لفٹ نہیں کرا سکتی کیوں کیونکہ جمیل سامیہ کو پسند کرتا ہے
और ये इस दुनिया का उसूल है कि अगर लड़का जिस लड़की को पसंद करता है ना तो वो लड़की उसको कभी लिफ्ट नहीं कराती। ये तो तुमने बहुत फजूल बात की। और जमील गांव का लड़का है और गांव के लड़के को ये लड़की तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा सकती। ये भी बहुत बेकार बात की है तुमने। और गांव के तो तुम भी हो। तभी तो कह रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। अच्छा खासा इंसान है बेचारा जमील। एवी में तुम उसका मजाक उड़ा रहे। आपने कभी जमील से बात की है? नहीं। तभी तो कह रही है। हाँ मुझे वो भी बहुत पसंद है। तुम्हें तो सब कुछ पसंद है, दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है जो तुम्हें नहीं पसंद? मुझे पाए, सर मुश्ताक, गोल्डन रंग और फुटबॉल से सख्त नफरत है। फुटबॉल? हाँ फुटबॉल जैसी बुरी चीज मुझे दुनिया में यार कोई नहीं लगती। क्यों? भाई मैंने सारी उम्र अपने भाइयों और वालिद को फुटबॉल के पीछे पागल देखा है। मेरे घर में इतनी ज्यादा फुटबॉल होती है कि मेरा दिल करता है जिससे मेरी शादी हो उसको तो फुटबॉल का नाम भी ना पता हो। मरवा दिया। जी कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे आपको फुटबॉल पसंद है क्या? फुटबॉल वो क्या होता है? इसका मतलब ये कि आपको फुटबॉल बुरी लगती है। बुरी? मुझे तो नफरत इस गेम के नाम से भी। वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों का टेस्ट मिलता है। कम से कम फुटबॉल के मामले में तो जरूर मिलता है। मैं जरा जमील को चेक करके आता हूँ। भाई बैठे रहने दो, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो उस लड़की से बात क्या कर रहा है। खामोशी से बैठे रहो ना, तंग करो बेचारे को। तो तंग कौन करने जा रहा है, मैं तो उसे कल के फुटबॉल मैच के लिए बताने जा रहा हूँ। खबरदार जो तुमने उसे तंग किया। बस जी मेरा लगाव तो स्कल्पचर की तरफ है। और जमील भाई। ओ तारिक ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल, तैयारी मुकम्मल है। किस चीज की तैयारी? वो मैच की। अच्छा जमील आप क्रिकेट भी खेलते हैं? ना क्रिकेट थोड़ी, ये तो आके की बात कर रहा है तारिक। तुम जरा चलो मैं तुमसे हॉस्टल में आके मिलता हूँ। बस जी देखें ये क्रिकेट और हॉकी का क्या चक्कर है? कोई चक्कर है ना, तुम बस जाओ हॉस्टल में, मैं आके मिलूंगा तुमसे उधर ही। और आप हॉकी भी खेलते हैं? बस जी कभी कभी। और आप ठीक ठाक हैं? तबीयत शबीयत ठीक ठाक एकदम खैर खैरियत? और किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मेरे ख्याल में मैं चलता हूँ, मेरी बस शायद आ गई। हाँ और प्रैक्टिस करो, शायद अगले साल तक तुम्हारी टीम किसी काबिल हो जाए। वैसे तुम लोग क्यों इतनी मेहनत करके अपना वक्त खराब कर रहे हो? हाँ जीतना तो आर्किटेक्चर को ही है ना। वैसे तुम लोग जॉब भी अपने पोस्टर शोस्टर बनाओ मजे से, ये फुटबॉल खेलना तुम लोग की बस की बात नहीं है। ओ ना मेरी जान ना, इतना जोर ना लगा, देख सारी जान तो तू यही जाया कर रहा है। बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रहे, ठीक बात कर रहे हैं हम दोनों। हाँ और सच तो होता ही कड़वा है। ये तो मैच के बाद पता चलेगा कि कड़वा सच होता क्या है। तू बड़ा कड़ा अपनी उस इमदाद पर, क्या नाम है उसका? जमील बलोच। हाँ हमें सिखाया तुम्हारा वो बैरूनी इमदाद जमील बलोच। मेरी जान जब से तुम मुझे मिली हो लगता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। सोते में तुम, जागते में तुम, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारा किस कदर दीवाना हूं। अगर मैं बता भी दूं तो शायद तुम ना समझ पाओ मेरे इस प्यार को। है मेरी जान मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। हेलो। हेलो क्या हो रहा है? कुछ नहीं बस इजहार मोहब्बत कर रहा था। किससे? फुटबॉल से भाई। क्या? मजाक कर रहा था, मैं सोच रहा था अगर किसी से इजहार मोहब्बत करना चाहूँ तो कैसे करूँ। मुझे क्या मालूम, तुम्हारा मसला है तुम ही हल करो। वो तो मैं कर ही लूंगा, तुम सुनाओ कैसे फोन किया? अच्छा अब मुझे तुम्हें फोन करने के लिए कोई रीजन होना चाहिए। नहीं नहीं मेरे कहने का तो ये मतलब तो नहीं था। चलो मैं तुम्हें एक रीजन दे ही देती हूँ। कल हम आप क्या कर रहे हो? क्यों? मैं सोच रही थी कि अगर कल आप मुझे खाने पर ले जाओ तो। कल? क्यों, मैंने तो सुना था कि क्वेटा वाले बहुत मेहमान नवाज होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। तो फिर कल शाम मिल रहे हैं ना? ठीक है
चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके बाय। बाय बाय। अब बेचारे तारिक का क्या होगा जिससे मैंने कल का वादा किया हुआ है। खैर कल देखा जाएगा। यार ये जमील बलोच अभी तक नहीं आया। यार जमील भाई ने 5 बजे का ही वादा किया था ना। हाँ यार वादा तो किया था। हो सकता है वो आई ना। नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो बलोच कोयटा के होते हैं ना, ये वादे के बड़े पक्के होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वादा नहीं तोड़ते। मिस्टर बॉम्बास्टिक, we order some bombastic romantic fantastic lover, Mr. Lover Lover, now Mr. Lover Lover, girl, Mr. Lover Lover, now Mr. Lover Lover, she call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin or filled. बस आता ही होगा। कब आता होगा यार? आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं। हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ, साम्या। आपकी आवाज नहीं पहचानूंगा तो किसकी आवाज पहचानूंगा? सॉरी मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, आप तैयार हो ना? एकदम तैयार, आई एम रेडी। सुना है हॉस्टल में फुटबॉल मैच हो रहा है। हाँ वो तो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती वो कौन लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। हाँ उनसे भी पागल वो होते हैं जो खेलने जाते हैं। बिल्कुल सही, मुझे जान के बड़ी खुशी हुई है कि तुम्हें भी उतनी ही बुरी लगती है फुटबॉल जितनी के मुझे। आई हेट फुटबॉल। हाँ मी टू। अच्छा चलो जमील तुम तैयार है ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाय बाय। सॉरी मेरी जान, मैंने तुम्हारी इतनी बुराई की, मगर मेरी जान मैं साम्या के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, तुम्हें भी। ओ यार वो पतंग देख, उसका पेच दोबारा होने लगा। किधर है यार? अब तो 4 काट चुकी है वो। हाँ ओ क्या हुआ, आई नहीं तुम्हारी कोयटा से इमदाद? कोई बात नहीं तो खुद ही खेल लो, हार ना तो है ही, चाहे इमदाद के साथ हारो या फिर उसके बगैर। Come on, yes. चल छोड़ वो, देख यार पेज देख। किधर? ओ यार इसने 4 काटी है, वो छोटा उड़ा रहा है वहां से। कहां है वो? अच्छा दोस्त खुदा हाफिज, शायद हमेशा के लिए। नहीं नहीं मेरी जान नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं मैच खेलूंगा और जरूर खेलूंगा। शाबाश, कहाँ है भाई तुम्हारा जमील बलोच? डोंट वरी दोस्तों, जमील आ चुका है। किधर रह गए थे जमील भाई आप? सॉरी दोस्त, मैं एक लड़की के चक्कर में भटक गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी मंजिल सामिया नहीं बल्कि फुटबॉल है। तो आओ अब आर्किटेक्चर वालों को मजा चखाते हैं। She's got new addictions for every
dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and move you down, living la vida loca. Her lips are dead forever, and her skin's a color mocha. She will wear you out, living la vida loca. Living la vida loca, she's living la vida loca. तो ये था तुम्हारा मैच जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे थे। हाँ। जमील ने कैसा खेला? इतना बुरा कि शायद इतना बुरा मैं भी नहीं खेलाऊंगा। ओ जिगर्स, लूजर। हाँ, वैसे तो जमील जमील चलाए जा रहे थे, लेकिन इतना बुरा इनकी टीम में खेली है कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो जमील तो सुना है बात अच्छा खेलता था, उसे कल क्या हो गया? यार उसका दिमाग कहीं और था कल। हाँ तो जाहिर है बेचारे ने वो कैसे बेकार से मैच के लिए सामने को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, तो दिमाग तो उसका क्यों और होना ही था। यार जमील नजर भी नहीं आ रहा है, शायद कॉलेज नहीं आया, शायद पछता रहा होगा। बदतमीज, एक तो इतना बड़ा स्टेप लिया उसने तुम्हारे लिए और तुम उसमें हंस रहे हो। कुछ यार इस तरह के बेवकूफ लोग इस तरह के स्टेप लेते रहते हैं, तो क्यों ना इन पे हंस लें। यार वैसे जमील किस वक्त किधर होगा? मेरा दिल तू ईमान